ये है मून इंपैक्ट प्रोब यानी मिप, इंडिया का पहला मून लैंडर जो चांद के साउथ पोल पे लैंड हुआ। हाँ, चंद्रयान 3 या 2 इंडिया के फर्स्ट साउथ पोल लैंडर्स नहीं है, उल्टा अगर आप चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट देखो तो वो करीब 69 डिग्री आता है, पर मीप ऑलमोस्ट 90 डिग्री शैकल्टन क्रेटर के पास एग्जैक्ट साउथ पोल के पास लैंड हुआ। उसने वीडियोस भी रिकॉर्ड किए नीचे जाते वक्त, बट लोग भूल चुके इसका एग्जिस्टेंस, कुछ लोगों तो पता ही नहीं है। आज हम 3D एनिमेशन की मदद से जानेंगे मीप को, तो चलिए जानते हैं। मीप एक पिगीबैक पेलोड था चंद्रयान 1 के ऊपर, इंडिया का फर्स्ट मून मिशन। चंद्रयान 1 की स्टोरी खुद भी इंटरेस्टिंग है और वो कभी बताऊंगा, पर एक फ्यू सेकंड का इंट्रोडक्शन, इसमें काफी सारे कंट्रीज के एक्सपेरिमेंट्स थे, अलग अलग हाइपरस्पेक्ट्रल सार वगैरह वगैरह। उसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग पेलोड भी था जो है नासा का मून मिनरोलॉजी मैपर M3। ये थोड़ा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल एंड में बताता हूँ, काफी लोग को लगेगा साइज देख के इस एनिमेशन में कि ये बहुत छोटा होगा, पर नहीं, अगर आप ये इमेज देखो तो एक ह्यूमन हेड इतना बड़ा है, वो उससे थोड़ा बड़ा है, और इसका जो वेट था वो 34 kg के आसपास था। मून इंपैक्ट प्रोब के ऊपर 3 कुल इंस्ट्रूमेंट्स थे, एक तो था MIS यानी मून इमेजिंग सिस्टम जिसने वीडियोस और क्या फोटोज लिए, टेक्निकली फोटोज लिए। दूसरा ये जो दो स्क्वायर्स दिख रहे हैं वो है रेडार ऑल्टीमीटर जो ऑल्टीट्यूड डिटेक्शन करेंगे और प्रोफाइल करेंगे लैंड करते वक्त, ताकि इंडिया फ्यूचर में अपने लैंडर्स को ये इस्तेमाल कर पाए डेटा। और थर्ड और मेरा फेवरेट जिसको डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा इस वीडियो के अगले दिन, वो है चेस यानी चंद्रास ऑल्टीट्यूडनल कंपोजिशनल एक्सप्लोरर। ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था। बेसिक वे ये जैसे किया गया था, चंद्रयान 1 ऑलरेडी एक पोलर ऑर्बिट में था 100/100 किलोमीटर। अपने इक्वेटर आने से पहले थोड़ा बहुत वो रोटेट करता है एक अप्रोप्रिएट एंगल पे, और मीप जो है उसे रिलीज करता। रिलीज करने के बाद इसके स्पिन मोटर्स फायर करते हैं मीप के, जो उसे स्पिन करते स्टेबिलाइज करने के लिए। या आपने इमेज में देखा होगा ये बाहर कुछ प्रोट्रूडिंग है, बाहर लगा है, वो स्पिन मोटर्स है, छोटे रॉकेट मोटर्स जो उसे घुमाएंगे। स्पिन होते ही वो स्टेबिलाइज होगा, फिर एक डी ऑर्बिट छोटा सा मोटर है मीप के पीछे, वो फायर होगा और इसकी वेलोसिटी कम करेगा, सच दैट अभी वो है एक डिसेंडिंग ऑर्बिट में चांद की तरफ। और इनकेस इस पॉइंट पे आप वंडर कर रहे हो ये बॉटम लेफ्ट में जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या है, स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट में वो है सोर्सेज। मैं जो भी क्लेम्स कर रहा हूँ उसके सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में है, ये नंबर आप मैच कर लो डिस्क्रिप्शन में। ये जो आपको एनिमेशन में ब्लू कोन दिख रहा है वो फील्ड ऑफ व्यू है कैमरा का। इस कैमरा का रेजोल्यूशन जो था वो 70 meters GHD था 100 kilometer ऑर्बिट से, और करीब 34 kilometer स्वाथ था यानी उतना लंबा था, तो इसलिए ऊपर ऊपर की इमेजेस ऐसे एकदम पूरा मून का एकदम रिम ले लेते हैं। पर जैसे वो नजदीक गया एकदम नीचे फेस करने लगा और एकदम क्लोज बाय इमेजेस लिए उसने चांद के। हाँ, वो बाद में डिस्ट्रॉय हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हुए होंगे, बट जो उसने डेटा जनरेट किया ऑन द वे मून के एटमॉस्फेयर का और इमेजेस, वो मतलब काफी कूल है। बाय द वे एक फन फैक्ट, जहां एक क्रैश हुआ उसे जवाहर पॉइंट रिफर करते हैं, ये शैकल्टन क्रेटर के रीजन में ही है। ऐसे और फन फैक्ट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपकी ज्ञान की गर्वी कम हो। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो कैमरा सिस्टम था ये कमर्शियली अवेलेबल सोनी 555 ये कैमरा मॉड्यूल यूज करता था, या आज भी कुछ लोग अभी मतलब वो वेस्ट वाला ईबे पे बेचते हैं। अगर आप क्लोजली देखो तो ये बस कैमरा मॉड्यूल है, उसके ऊपर आपको खुद का लेंस ऐड करना है। मैं क्यूरियस हूँ आप में से किसी ने ये अपने इंडस्ट्रीज में भी यूज किया क्या, मुझे जानना है एग्जैक्टली कमर्शियली कैसे यूज होता है। वीडियो दिखाने से पहले ये एक रफ प्लॉट है जो ट्रेजेक्ट्री है मीप ने फॉलो की, कहां डी ऑर्बिट हुआ वगैरह। तो जो इमेजेस लिए वो आपके स्क्रीन के ऊपर है अभी, ये आपको ये अगर इमेजेस एक्सेस करने हैं तो अगेन जो बॉटम लेफ्ट में जो नंबर आ रहा है रेफरेंस करो लिंक। वीडियो दिखाता हूँ नीचे गिरते वक्त, ये है वीडियो, आप बोलोगे कि शॉर्ट है वीडियो। देखो यहीं पे आता है हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, एक्चुअल में मीप ने करीब 3000 से भी ज्यादा इमेजेस लिए हैं, ठीक है। उसको अगर आप स्टिच करोगे 24 fps पे तो काफी लंबा वीडियो बनेगा ऊपर से नीचे जाने तक। पर ये जो आप देख रहे हो वीडियो वो एक ISC बैंगलोर के लेक्चर में दिखाया गया था छोटा सा पार्ट, और थैंक्स टू ओसिन जो r/0 सबरेडिट मॉड करते हैं उनके वजह से हमें देखने भी मिल रहा है छोटा सा लुक। एक्चुअल में ये पब्लिक है ही नहीं इमेजेस, जो इमेजेस है ऑनलाइन उसे कुछ लोगों ने लेके ट्राई किया है मैप करने पॉसिबल लोकेशन। ये आप देख सकते हो, ये एक अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन से unmannedspaceflight.com, उन्होंने काफी लोगों ने मिलके ये मैप करने ट्राई किया, ये प्लॉट आप देख सकते हो। फ्यूचर आर्टिमिस मिशन जो लैंड करेंगे वो मीप के आसपास काफी क्लोज लैंड करेंगे। रेडार ऑल्टीमीटर का डेटा पब्लिक नहीं है तो मुझे पता नहीं। और चेस ने वाटर डिस्कवरी की, बट नासा के M3 इंस्ट्रूमेंट को उसका क्रेडिट मिलता है। इसमें हम इन डेप्थ जाएंगे अगले वीडियो में जो इस वीडियो के अगले दिन आएगा। एंड मुझे पता है इस पॉइंट पे कुछ लोग पॉइंट निकालेंगे कि ये तो हार्ड लैंडिंग थी ब्रो, हार्ड लैंडिंग। तो क्या इतना ही आसान होता तो काफी कंट्रीज ऐसा इंपैक्ट प्रोब लैंड करते नहीं।
इससे पहले आई थिंक सोवियत यूनियन के टाइम और जक्सा का और ये नासा का अपना जो था उन्होंने ही ये सब अचीव किया है। और जस्ट बिकॉज एक हार्ड लैंडर है उसका मतलब ये नहीं कि इसकी इंजीनियरिंग इतना सिंपल है। ये ही कि उन्होंने इतना परफेक्टली कैलकुलेट किया पूरा ट्रेजेक्टरी और ऑलमोस्ट साउथ को साउथ पोल 90 डिग्रीज गिरना, यही एक काफी अच्छा अचीवमेंट है, काफी बड़ा अचीवमेंट है और वो भी 2008 में। मैंने आज तक 100 प्लस वीडियोस बनाए पर बस 3 वीडियो में स्पॉन्सरशिप लिया है क्योंकि मोस्टली पब्लिक सपोर्ट करती है, सब्सक्राइबर सपोर्ट करते हैं मेंबरशिप्स के थ्रू। आप भी अगर आपके पास है थोड़ा पैसा वेस्ट करने आप ज्वाइन बटन दबा सकते हो या बाय मी अ कॉफी के लिंक है उसमें मेंबर ऑप्शन चूज करना। थैंक यू।